दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में शनिवार को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसमें कई खुलासे किए गए। इसके बाद अब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हाल ही में एक चैनल से बात करते हुए राजपूत परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस को सवालों के घेरे में लिया है। विकास का कहना है कि रविवार 26 जुलाई को FIR होने के बाद भी अभी तक रिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसके साथ ही विकास ने कहा कि मुंबई पुलिस इस केस में बहुत धीरे जांच कर रही है और साथ ही साथ उसकी जांच का एंगल भी केस के मुताबिक ठीक नहीं है। विकास सिंह ने चैनल से बात करते हुए ये भी कहा कि मुंबई पुलिस सुशांत के परिवार पर दबाव बना रही है और मुंबई के प्रोडक्शन हाउसेस के नाम लेने को कह रही है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस सुशांत के परिवार पर बड़े फिल्म निर्माताओं का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है, जबकि आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। याद दिला दें कि हाल ही में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने ही उनके बेटे की मानसिक हालत खराब की और साथ ही साथ दवा के ओवरडोज भी दिए। इसके साथ ही के सिंह ने बताया कि सुशांत के अकाउंट से अलग अलग खातों में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।